देखिए भाई, लास्ट टाइम टॉपिक था लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने कुछ और टॉपिक किए थे, स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आए थे अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर इस रूम की कुछ एनर्जी है और उसमें गैस मॉलिक्यूल घूम रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। अगर एक ही गैस है, मोनोटोमिक की कितनी होती थी? 3, डायटोमिक की 5, याद है कि नहीं है? तो उसके अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी बांटी आएगी भी, टोटल में से कितना एनर्जी हर मॉलिक्यूल के बांटे आएगा, वो क्या है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कर लोगे? यानी जितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब एन मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी ई है, तो हर एक एक के हिस्से कितना एनर्जी आएगा वो बताना है आपको यहाँ पे। सिंपल एक डेफिनेशन है और उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो लिखिए एक बार, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूट टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड इन ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। दोबारा सुनिए जो मैंने लिखवाया कंप्लीट आपको भी। ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जो टोटल एनर्जी है हमारा गैस का पूरे सिस्टम का, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कर लोगे? और हर एक मॉलिक्यूल कितना मिलेगा? 1/2 kT मिलेगा। ये है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया हम लोगों ने? डिवाइड कर दिया। कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटोमिक गैस भी। देखो, सिंपल चीज़ें हैं। अगर मैं मोनो एटोमिक गैस यूज करता हूँ तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3, मैंने कल निकाली थी। तो लिखिए, पहले वही लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटोमिक गैस कितनी थी? 3 थी। यस और नो? ठीक है, आगे लिखिए, और हर मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी मिलती है? अभी किया था, लिखिए एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना था भाई? 1 मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखा था मैंने आपको, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। कितना बोला? 1/2 kT। 1/2 kT, समझ में आया? कितने फ्रीडम हैं? 3, और एक में कितना मिलता है? 1/2 kT, तो टोटल कितना हो गया? टोटल एनर्जी इन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा भाई? एक का एनर्जी 1/2 kT कितनी डिग्री है? 3, तो 3 कर दूं गुणा में, तो 3/2 kT। यस और नो? कर पाओगे? ठीक है, ये तो हो गया इतने में भी, एक मॉलिक्यूल के भी इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने मॉलिक्यूल हैं? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n ले लें,
ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है भाई, एवोगाड्रो बोलता है कि कितना मॉलिक्यूल्स है, ये बोलता आपको एन कितना है, इट इज एवोगाड्रो नंबर भाई। कर लोगे? ए गैस में कितने मॉलिक्यूल कौन बताएगा आपको? ये एवोगाड्रो ला तो बताएगा आपको, इट इज एवोगाड्रो नंबर। कर पाओगे? तो ये तो हो गया एक डिग्री में कितने मॉलिक्यूल हैं, एन। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल एनर्जी भी इज इक्वल टू, एक की एनर्जी कितनी है 3/2 kT इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस और नो? एक की कितनी है 3/2 इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन है ना, तो तीन का अकॉर्डिंग कर लिया हम लोगों ने। तो कितने मॉलिक्यूल इस तरह के हमारे, तो एन है, गुणा में क्या कर दें, एन भी कर दें। समझ में आई बात है? यस और नो? इसको मैंने लिख दिया सिंबलिक फॉर्म यू से, इंटरनल एनर्जी होती है टोटली, ये अंदर का काम चल रहा है, यू इज द इंटरनल एनर्जी। कर लोगे? दोबारा देखिएगा एक बार, कितने फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है, एक की हर एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी है 1/2 kT, तो तीनों में कितनी होगी 3/2 kT, और कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल मिला के, एन, गुणा में एन करती है। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? ठीक है, अब रिलेशन लेके आना है हमको यहाँ पे, फॉर्मेशन में आ रही है एनर्जी क्या होता है, हीट ही होती है, या हीट क्या फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, यही हीट होगी जो क्या कर रही होगी उसके मॉलिक्यूल की मोमेंट को चेंज कर रही होगी। तो लिख लीजिए एक बार इसको भी, स्पेसिफिक हीट इज द, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट यूनिट डिग्री, यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट ए यूनिट डिग्री। ये हमने कल लिखवा था आपको ये डेफिनेशन, दोबारा से कर लोगे? अब वो यही एनर्जी है वो, तो फार्मूला क्या लिखा था, कुछ किया था फार्मूला कल मैंने किया था, क्यू इज इक्वल टू कितना था, सी एम इन टू डी टी या टी जो भी था, यही था ना फार्मूला भाई? यस और नो? कितनी एनर्जी यूज की जा रही है, तो डी यू मान लेते हैं स्मॉल के साथ भी, डी यू क्या है, स्मॉल हीट एनर्जी, डी यू क्या है, स्मॉल हीट एनर्जी, स्मॉल चेंज कहाँ करते हैं, चेंज कहाँ से कहाँ तक करना, टेम्परेचर को स्मॉल चेंज करना है, तो हीट भी क्या चाहिए उसके लिए, स्मॉल चाहिए। यस और नो? तो किस कैसे लिखोगे इसको, डी यू इज इक्वल टू सी, मास कितना है भाई, लिख रखा है यूनिट मास सब्सटेंस, मास की वैल्यू कितनी 1। कर लोगे? डी टी कितना, टी को चेंज करना है, पहले 22 तब 23 करना है, यस और नो? तो चेंज कितना हुआ, डी टी, टेम्परेचर चेंज है, पहले कुछ तब कुछ है, तो कितना चेंज करना है, एक का चेंज करना है, तो डी टी की वैल्यू कितनी है 1 है एक्चुअल में। कर लोगे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी आई, डी यू बाई डी टी, डी इसके लिए करूं मैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम, दो चाहिए मेरे को, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी लिखिए, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर दिया जाए तो सी की जगह क्या लिख सकता हूं, सी भी लिख सकता हूं, इट इज ऑल फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी, डी यू बाई डी टी, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना ही करना है, पी है तो कॉन्स्टेंट, तो सी पी लिख देंगे यहाँ पे, उसमें भी सेम आंसर रहने वाला। कर लोगे? तो मेरे को बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, अभी यू निकला था कुछ देर पहले हम लोगों ने, यू कितना था, यू था 3/2 के
टी इंटू एन, यस और नो? 3/2 के टी इंटू एन. वट इज द वैल्यू ऑफ के टी इंटू एन? के टी या के एन लिख दूं तो क्या आंसर आएगा? ये आर के बराबर होता था भाई. इट इज गैस कॉन्स्टेंट भी, गैस कॉन्स्टेंट भी. तो क्या ले सकता हूँ? U इज इक्वल टू 3/2 आर टी ले सकता हूँ इसको मैं. इसको R लिख दिया इंटू टी, 3/2 आर टी. सी वी की वैल्यू कितनी हुई? सी वी की वैल्यू सी वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी. ये टी कैपिटल था भाई, चेक करो डिटेल है ना. डी वी बाई डी टी आर. यू कितना है? 3/2 आर टी. सही लिखा है. कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लूँ, डेरिवेटिव है ये. तो कितना आंसर आएगा? सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर कॉन्स्टेंट. क्या बचा? डी टी बाई डी टी. या सर ना? तो सी वी की वैल्यू कितनी हुई? 3/2 आर. ये तो वैल्यू होगी सी वी की. सी वी कितना हुआ? 3/2 आर. हमने एक रिलेशन किया था लास्ट टाइम भी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर. सी वी तो निकाल लिया है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, अब क्या निकालना है? सी पी निकालना है. इससे पुट कर दें वैल्यू, पुट सी पी, पुट सी वी, सॉरी पुट सी वी. तो सी पी की वैल्यू कितनी होगी? सी पी माइनस सी वी कितना है भाई? 3/2 आर इज इक्वल टू आर. सही लिखा है. और सी पी इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? आर प्लस 3/2 आर. उस तरफ ले गया, सही है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी पी? कितना हो गया? 5/2 आर. चेक करो. प्रॉब्लम भाई, एक और रिलेशन मैंने किया था गामा वाला. गामा क्या था भाई? सी पी बाई सी वी. गामा क्या था? सी पी बाई सी वी. पुटिंग द वैल्यूज भाई, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? सी पी कितना है? 5/2 आर बाई 3/2 आर. सही लिखा है मैंने. तो मैं लिख सकता हूँ गामा इज इक्वल टू 5/3. काट दो, सॉल्व करो भाई. गामा इज इक्वल टू 1.6. जिसको समझ में नहीं आ रहा, यानी सभी को नहीं आ रहा, तो दोबारा देखिए टॉपिक को. दोबारा ये टॉपिक है दोबारा से, पर किसके लिए करेंगे अभी? डायटोमिक के लिए करेंगे, ठीक है. तो पहले किस बात किससे करते हैं? चेक करते हैं कि डायटोमिक गैस में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है. यस और नो? तो कितना आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला स्टेप यही है. कितना है? 5. कल किया था. यस और नो? ये समझ में आता है. सेकंड, हर एक की एनर्जी कितना है? एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? इट इज 1/2 के टी. यस और नो? ये बोलता है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होगी भाई. ओके, कितने एक में? हर मॉलिक्यूल की एनर्जी एक में कितनी होगी? इतनी. तो कितनी फ्रीडम है इसकी? 5. तो एनर्जी कितना हुआ इसका? टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल. ये वन का चल रहा है अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक की 1/2 के टी, 5 की कितनी होगी? 5/2 के टी. गुणा में कर देते हैं. याद है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हमें निकालनी है कि सभी की कितनी होगी. टोटल एनर्जी कितना होगा भाई? टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स में, ऑल के लिए करते हैं. एक की कितनी है? 5/2 के टी. और कितने मॉलिक्यूल टोटल मिला के? एन, अवोगैड्रो नंबर भी.
यस सर नो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसको मैंने क्या नाम दिया था? यू दिया था। एनर्जी कौन सी थी? यू। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 के इंटू एन इंटू टी, के इंटू एन इंटू टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, गिव द गैस कांस्टेंट भी। यस सर नो, तो लिख सकता हूँ कि यू की वैल्यू कितनी आई? 5/2 आर टी। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आ रहा है? सेम टॉपिक बिल्कुल। अब क्या निकालना आपको? वही इंटरम ऑफ स्पेसिफिक हीट निकालना आंसर्स, ठीक है? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट? रब कर दें इसको भी, हो गया इतना। डी यू क्या था भाई? इज अ स्मॉल चेंज इन इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन एनर्जी। इसको लिखा कैसे था हम लोगों ने? डी यू इज इक्वल टू, ये हीट है, सी किसके लिए? इंटू मास वन इंटू डी टी। ये फार्मूला था स्पेसिफिक हीट का भी, जो सी लेके आना है। यस सर नो, ये एनर्जी यूज हुआ इसकी स्पेसिफिक हीट को बदलने के लिए भाई। याद है कल वाला फार्मूला? क्यू इज इक्वल टू सी एम डी टी या एम टी। क्यू की जगह पे क्या लिख रखा मैंने? एनर्जी लिख रखी है, डी यू भी। कर पाओगे? चेंज कितना करना है? स्मॉल चेंज, किसी से किसी में जाना है कितना? एक डिग्री का फर्क करना है, तो इससे चेंज इन कितना है? डी टी की वैल्यू वन एक्चुअल में। yes, कर पाओगे? तो फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करें तो ये काम किसके लिए किया जाए? किसके लिए? फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये सी भी हो जाएगा भाई, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यस और नो? तो यहाँ से सी वी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कितना आएगा? डी यू बाई डी टी। सी वी क्या हो गया? डी यू बाई डी टी। हम यू निकाल चुके हैं भाई, सी वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू कितना था? 5/2 आर टी, यही था ना भाई? यू की वैल्यू कितनी थी? 5/2 आर टी। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? 5/2 आर को बाहर निकाल लूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव है ये एक्चुअल में। तो कितना आएगा? सी पी इज इक्वल टू 5/2 आर, क्या बचा? डी टी बाई डी टी। ये स्मॉल टी नहीं है भाई, कैपिटल टी है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टी है ये, टेम्परेचर के साथ किया ना कि टाइम। सी वी, हाँ सी वी आएगा भाई, ये सी वी है, इट इज सी वी। कर लोगे? डी टी से डी टी काट दें। yes, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वी? 5/2 आर। अब हमको निकालना है सी पी की वैल्यू भी। रिलेशन क्या यूज करेंगे उसके लिए? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सही है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वी? 5/2 आर इज इक्वल टू आर, और सी वी वहां पे ले जाएं, आर प्लस 5/2 आर, कितना हो गया? हाँ सी पी, सी पी, ओके ठीक है। तो कितना होया? 2 × 5, 2 + 5, 7, 7/2 आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी पी? कितनी आई? 7/2 आर। एनी प्रॉब्लम? ये होगी वैल्यू आपकी सी पी की, ये वैल्यू किसकी है? सी वी की, सही है। अब गामा निकालना है, गामा की वैल्यू क्या थी भाई? सी पी बाई सी वी। यस आर नो? तो कितना आएगा? 7/2 आर डिवाइड बाई 5/2 आर। यस आर नो? तो गामा की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे निकालूँ, गामा इज इक्वल टू 7/5, यानी गामा इज इक्वल टू 1.4। गामा की वैल्यू कितनी आई? 1.4। पहले से चेंज हो रही है, ठीक है, सब कुछ बदलेगा, सी पी सी वी सब कुछ भी। 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4। ट्राई के दो केस थे भी, याद हो तो आपको, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए भी, याद है? ये कर लेते हैं पहले, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स भी लिख दो यहाँ पे, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल
अगर हम बात करते थे लिनियर की तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था। नेक्स्ट टॉपिक लिख दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्राई एटोमिक गैस फॉर लिनियर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो पहला पॉइंट चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही चेक करते हैं, तो कितना है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 7 था, यस और नो? चेक करो भाई, क्या मैं निकाल दूं टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एक की थी 1/2 के टी इन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 7 कितने हैं तो 7/2 के टी भी, यस और नो? मैं डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिया यहां से भी, कर पाओगे? अब ये तो एक की होगी भाई, टोटल कितनी होगी? टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू 7/2 के टी, ये 1 की है और कितने मॉलिक्यूल हैं इस तरह के, N है, K इंटू N क्या ले सकता हूँ, R लिख दो, तो U इज इक्वल टू 3/2 आर टी, हाँ सॉरी कितना आएगा 7/2 आर टी वी, हो गया यस और नो? एनी प्रॉब्लम क्लास? और मैंने स्पेसिफिक हीट पर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करें तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम मैं ले सकता हूं, देखो ऐसे सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी ले सकता हूं इसको मैं डायरेक्ट, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, चेक करो डी यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, सी वी इंटू 1 इंटू डी टी, यस सर ना? तो सी वी की वैल्यू कितनी भाई, सी वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू यू कितना है 7/2 आर टी, तो कितना आंसर हुआ सी वी का 7/2 आर, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, यस और नो? ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट तुमसे निकलवाऊंगा, ठीक है? तो सी पी कितना होगा भाई, फॉर्मूला क्या था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ आर प्लस 7/2 आर, आर प्लस 7/2 आर, एनी प्रॉब्लम? कितना हो गया 9/2 आर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा भी, सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी, तो ले सकते हैं 9/2 आर बाई 7/2 आर, तो कितना हुआ 9/7, कितना वैल्यू निकलेगा, गामा इज इक्वल टू 1.2 समथिंग, गामा इज इक्वल टू 1.2, कर पाओगे? ठीक है, फोर्थ तुम्हें करना, अभी करो बैठ के, फोर्थ टॉपिक फॉर नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स भी, इसी का ट्राई एटोमिक गैस का, किसके लिए फॉर नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स, सेम तरीके से कीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है भाई स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, अगर इसकी आप चेक करते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मान लेते हैं n होगा, यस और नो? और एक के लिए कितना होता है 1/2 के टी, तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, कितना होगा एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज एन, एन इंटू 1/2 के टी, सही है एन बाई टू के टी, ये तो हो गया किसके लिए, एक मॉलिक्यूल्स के लिए, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने भाई,
टोटल एनर्जी कितना होगा ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स? एक का एनर्जी है n by 2 kT, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n है, एवोगाड्रो नंबर भी, यस और नो? तो n into k into n कितना हो गया? R, इसका U से लिखा था हम लोगों ने, तो इट इज n by 2 RT, यस और नो? ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा वॉल्यूम? एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैसे लिखा था? Cv इज इक्वल टू कुछ याद है? डी यू बाई डी टी, यस और नो? डी यू बाई डी टी, यही था? पुटिंग द वैल्यूज डी बाई डी टी, यू का वैल्यू कितना है? एन बाई टू आर टी वी, तो कितना आंसर हुआ Cv का? एन बाई टू आर, यस और नो? डी टी बाई डी टी, ये कैपिटल टी है भाई, कर लोगे? n बाई टू आर कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डी टी बाई डी टी वन हो गया, कर पाओगे? तो सी वी की वैल्यू कितनी होगी? n बाई टू आर, तो सी पी की वैल्यू कितनी होगी? क्या रिलेशन था? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ आर प्लस n बाई टू आर, यस और नो? तो आर कॉमन निकाल सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? वन प्लस एन बाई टू इंटू आर, सही लिखा है? ये वैल्यू किसका है? इट इज फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा निकाल सकते हो, गामा क्या था भाई? सी पी बाई सी वी, पुटिंग द वैल्यूज, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस एन बाई टू आर डिवाइड बाई कितना था भाई? एन बाई टू आर, आर चार काट दें, बताओ? इसको ऐसे ले सकता हूँ आर इज इक्वल टू 2 बाई एन इंटू 1 प्लस एन बाई टू, इसको ऊपर ले गया उल्टा हो जाएगा, यस और ना? 1 प्लस 2 बाई ले सकता हूँ, अरे 2 बाई एन को गुणा करो इसके साथ, 2 बाई एन हो गया, यस और नो? प्लस 2 बाई एन इंटू एन बाई टू, वन हो गया, 1 प्लस 2 बाई एन, गुणा तो करना अंदर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, दिस इज फॉर जनरल, ये जनरल फार्मूला है भाई पॉलीएटोमिक गैसेस के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इससे कौन कौन से आंसर निकाल सकते हैं, अगर मोनोएटोमिक की बात करते हैं, मोनोएटोमिक गैस, तो n क्या थे भाई? स्मॉल n क्या है यहाँ पे? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई, n, इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की, तो व्हाट इज दैट, n का वैल्यू कितना था मोनोएटॉमिक के लिए? 3, यस और नो? 1 प्लस 2 बाई 3, सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा, 1 प्लस 2 बाई 3, 5 बाई 3, वही था गामा का वैल्यू, वहां पे 5 बाई 3 था, ठीक है। डाई की बात करो, कितना था इनका वैल्यू? 5, तो 5 7 बटे 5, वही आंसर था वहां पे भी। ट्राई की, 4 सिंपल मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, 7 था, 7 9 बटे 7 हो गया, वही आंसर वहां पे था। तो दिस इज जर्नल फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, भी कर पाओगे? और ये जर्नल फार्मूले हैं किसके लिए? टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, करके देख लो। अगर हम बात करते हैं मोनोटॉमिक की, तो n का वैल्यू कितना? 3 बाई 2 आर, वही था, चेक कर लो सी पी की वैल्यू, सी बी की वैल्यू 3 बाई 2 आर थी, देख लो सी पी की 1 प्लस 3 बाई 2 5 बाई 2 आर, वहाँ पर भी थी। ये सारा टॉपिक है ना जनरल फार्मूला है, किसी का भी निकाल लो, बस आपको पता होना चाहिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कर पाओगे? टॉपिक कंप्लीट हुई, ओके? दिस इज फॉर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज कॉल्ड पॉलीएटोमिक गैस, भी कुछ भी हो सकता है, हो जाएगा भाई। कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, भी
कंसेप्ट ऑफ मेन फ्री पाथ, ये वर्ड फर्स्ट टॉपिक में यूज हुआ था, थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैस की थ्योरी हमने किया था उसमें, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मेन फ्री पाथ, ये क्या मीनिंग क्या है इसका भी? देखो आपको पता है अभी गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज भी, बात सभी को पता है क्या सर? ना अब वो क्या करते हैं आपस में, कोलिजन भी करते हैं। लिखिए द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल, ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन भी, बिटवीन टू कोलिजन। तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं पहला मॉलिक्यूल है भाई, ये कोलाइड किया दूसरे के साथ, फिर ये थर्ड के साथ, नेक्स्ट किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, ये जो मोशन हो रहा है ये कौन सा मोशन बोलते हैं इसको, जिग जैग मोशन बोलते हैं इसको, समझ में आया? तो ये जो ट्रेवलिंग किया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, कोलिजन जब हुआ था तो कुछ तो चला हुआ है डिस्टेंस कोलिजन से पहले, ये भी सेम हुआ होगा। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं लैम्डा वन है भाई, ये कौन सी है, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री एंड सो ऑन, ये लैम्डा एन मान लेते हैं, एन मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ कौन सा है, इनका मीन भाई कौन सा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस सो ऑन लैम्डा एन, कितने मॉलिक्यूल हैं, एन। दिस इज द फार्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, ये सारे टू कोलिजन के बीच का डिस्टेंस है, कर पाओगे? बस यही है, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोनियन मोशन, क्या होता है? देखिए जो गैस मॉलिक्यूल चल रहे थे जिग जैग मोशन के अंदर, उसी मोशन का नाम क्या दिया है, ब्रोनियन मोशन, ठीक है, यस और नो? सेम होता है वाटर में, वो लिक्विड में कुछ चीज़ डाल दो ना, ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो लिख लीजिए सिंपल, द जिग जैग मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिग जैग मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन, द जिग जैग मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। क्या लिखवा था, साइज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर जिग जैग मोशन इज 10^-5 meter, 10^-5 meter ये साइज होना चाहिए, दिखना तो चाहिए कम से कम चलता हुआ, मोमेंट तो होनी चाहिए उसके अंदर, यस आर नो? अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको जिग जैग मोशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तेज करना है, कम करना है, तो क्या कंडीशन हो सकती है उसकी, इसमें लिखिए। नेक्स्ट, इतना हो गया भाई, लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए सिंपल लिखते हैं, कोई कंडीशन वगैरह लिखते हैं, सिंपल पॉइंट लिखिए पहला, लिखिए विद, पहला पॉइंट डालिए इसमें, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ब्रोनियन मोशन इज ऑल्सो इंक्रीज, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ब्रोनियन मोशन इज ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है भाई, यस और ना? कर पाओगे? उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो जिग जैग ज़्यादा किसमें होगा, कम टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मोशन बढ़ जाएगा भाई। सेकेंड पॉइंट डालिए, अगर साइज बढ़ा दूं तो मोशन बढ़ेगा कि घटेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी घट जाएगा भी। मोटे पार्टिकल्स इतने कोलाइड नहीं, इतने घूमेंगे नहीं, जिग जैग नहीं करेंगे, इतने स्मॉल वाले करेंगे भी। तो सेकंड पॉइंट, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोनियन मोशन इज इंक्रीज्ड, ब्रोनियन मोशन इज इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोनियन मोशन इज इंक्रीज। कर लोगे?
थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट, अगर मैं डेंसिटी को बढ़ा दूं भी, तो बताइए क्या होगा अभी? डेंसिटी क्या होती है? और डेंसिटी कब बढ़ सकती है? जब मास ज्यादा और वॉल्यूम कम हो, या सर ना हो। जितना कम वॉल्यूम मिलेगा उसको उतना ही कम मोशन होगा, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा मोशन होगा, या सर ना हो। तो डेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? मोशन घट जाएगा भाई। कर पाओगे? तो लिख लीजिए, बाई इंक्रीजिंग द डेंसिटी, थर्ड पॉइंट है, बाई इंक्रीजिंग द डेंसिटी ब्रोनियन मोशन इज डिक्रीज, बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ब्रोनियन मोशन इज क्या लिखवा था? डिक्रीज। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट डालिए, एक होता है विस्कस, विस्कस होता है गाढ़ापन भी। अगर सॉल्यूशन या लिक्विड, लिक्विड की बात कर लेते हैं, गाढ़ा हो उसमें मोशन ज़्यादा होगा कि सिंपल वाले में मोशन ज़्यादा होगा? सिंपल वाले में। विस्कोसिटी बढ़ा दी जाए तो मोशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन भी। ये टॉपिक बनेगा हमारा यूनिट नंबर 7 का भी, ठीक है? बाय क्या लिखवा था? बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इनकी भी विस्कोसिटी होती है, बाय गैस मॉलिक्यूल ब्रोनियन मोशन इज डिक्रीज भी, ब्रोनियन मोशन इज डिक्रीज हो जाएगा। ये था भी टॉपिक आपका, व्हाट इज द ब्रोनियन मोशन एंड हाउ इट इज इंक्रीज्ड डिक्रीज। कंप्लीट, यूनिट नंबर 9 कंप्लीट भाई।